हाय, आप लोग कैसे हैं? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे भौतिक राशियों का विमीय सूत्र। ये दूसरा चैप्टर है, हम मतलब क्लास इलेवेंथ का ये दूसरा चैप्टर मात्रक एवं मापन पढ़ रहे हैं। और इससे पहले दो क्लास हो चुकी है और मैंने उसमें बताया है मात्रक, मतलब कि मात्रक क्या है, और व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक और बेसिक मात्रक के बारे में मैंने, मूल मात्रक और पूरक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक के बारे में मैंने बता रखा है। तो आज हम देखेंगे भौतिक 2.8 भौतिक राशियों का विमीय सूत्र, सूत्र कैसे निकालते हैं वो आज हम देखेंगे। भौतिक राशियों का विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं वो आज हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो मूल मात्रक, जो सबसे पहले जिसके बारे में मुझे पता था वो द्रव्यमान, लंबाई और समय। इसके बाद इनके बाद इन तीन के बाद फिर हमें चार और मात्रकों का पता चला। इसमें से एम्पियर है और पदार्थ है, पदार्थ का मतलब मोल जिसे बोलते हैं। तो इसी तरह दो और मात्रक का जो मुझे पता चला। तो आज हम बात करेंगे कि विमीय सूत्र, किसी भी भौतिक राशि को विमीय सूत्र में कैसे लिखें। अब विमीय सूत्र होता क्या है? तो देखिए, विमीय सूत्र का मतलब होता है हम किसी भी मात्रक को, किसी भी भौतिक राशि को जब m पावर a, l पावर b, t पावर c से जब दर्शाते हैं, क्या करते हैं, दर्शाते हैं, तो इसी को विमीय सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? विमीय सूत्र कहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक, जो मूल मात्रक से मिलकर बनता है वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है, उत्पन्न होने वाला, जिसे व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न होने वाला मात्रक। तो आप समझिए विमीय सूत्र किसे बोलते हैं, अगर जिसे m पावर a, l पावर b और t पावर c से दर्शाते हैं उसे हम विमीय सूत्र कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे बेग, बेग का सूत्र क्या होता है? अगर बेग का व्युत्पन्न मात्रक हम निकालें, विमीय सूत्र अगर निकालें, तो क्या होगा बेग का? देखिए, बेग का होता है विस्थापन बटे समय, ये बेग का सूत्र है। और एक बात याद रखिएगा, विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको सूत्र उनका याद जरूर होना चाहिए। किसी भी राशि का, भौतिक राशि का अगर आप विमीय सूत्र निकालना चाहते हैं तो उनका सूत्र जो होता है, जैसे कि वेग का सूत्र विस्थापन बटा समय है, तो वो आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, विस्थापन क्या है? लंबाई है, लंबाई का मात्रक एल, और टी क्या है? समय, समय का मात्रक टी, समय का मात्रक टी। तो देखिए, एल ये नीचे है तो ऊपर आएगा, तो इन्वर्स में हो जाएगा, क्या होगा? इन्वर्स में हो जाएगा, इन्वर्स वन, याद रखिएगा आप। तो इसे हम वेग का विमीय सूत्र कहेंगे। और हमने क्या कहा था कि हम किसी भी चीज़ को m पावर a, l पावर b और c पावर t में दर्शाते हैं तो उसे विमीय सूत्र कहते हैं। और तो हम यहाँ पे m 0, क्योंकि m नहीं था, 0,
और एम किसी भी अगर राशि पे या किसी भी चीज़ पे अगर पावर जीरो हो तो उसका मतलब होता है एक। तो एक हम कहीं भी लिख सकते हैं। तो एम जीरो एल एल प्लस टी इन्वर्स वन, तो ये हो गया बेक का विमीय सूत्र। इसी तरह हम अगर त्वरण, क्या है त्वरण का निकालते हैं, त्वरण का अगर निकालते हैं, त्वरण का सूत्र क्या होता है, त्वरण का सूत्र होता है वेग बटे समय, मतलब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब देखिए वेग का सूत्र आपको पता था, मैंने निकाला था जैसे एल एल टी पर इन्वर्स वन। अब देखिए वेग का, वेग का विमीय सूत्र क्या है एल टी इन्वर्स वन, और समय का टी। अब क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा एल टू इन्वर्स इन्वर्स टू, और आप एम लगा सकते हैं अगर आप चाहे तो एम भी लगा सकते हैं एम एल टी इस तरह से। तो इसका मतलब तो एक ही होता है, तो एक आप लिखे या ना लिखे बात बराबर नहीं पड़ती, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एल टू ये हो गया त्वरण का। इसी तरह बल, ये आपको इसलिए सिखाया जाता है ताकि आप सीख लें और निकालने का आपको मतलब के समझ जाए कैसे निकाला जाता है, और आप याद रखिएगा कि आपको जो शुरुआती कुछ मतलब जो विमीय सूत्र है वो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप, जैसे मैंने कहा आपको त्वरण, त्वरण का विमीय सूत्र निकालने के लिए अगर कहे तो त्वरण का पहले से पहले वेग का सूत्र निकालना पड़ेगा। अगर आपको वेग का नहीं होगा याद तो आपको फिर वेग का सूत्र, वेग का विमीय सूत्र याद करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो उसमें समय आपका वेस्ट होगा। तो इससे बेहतर है कि आप कुछ मतलब के जो शुरू के जो 20-22 जो विमीय सूत्र हैं उनको याद कर ले अब तो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो इसी तरह देखिए बल, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान गुने त्वरण, चलिए इसको काट ही देते हैं। बल का क्या होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। देखिए अब त्वरण आप, आपको अगर याद नहीं रहेगा त्वरण का विमीय सूत्र, आपको त्वरण का विमीय सूत्र याद करना पड़ेगा। त्वरण का वैसे आपको बता रखा है मैंने, त्वरण का विमीय सूत्र होता है एल, देखिए द्रव्यमान का विमीय सूत्र एम एल टी इन्वर्स टू। देखिए क्या हो जाएगा इसका एम एल एम एल टी इन्वर्स टू, ये हो गया विमीय सूत्र बल का, इनको याद रखिएगा आप। अब देखिए कार्ज, अगर कार्ज का विमीय सूत्र निकालना हो तो देखिए कार्ज का सीधा होता है बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। बल क्या है, बल का पावर क्या होता है, बल क्या है एल, देखिए बल गुने विस्थापन कार्य का सूत्र है बल गुने विस्थापन। देखिए बल क्या है, बल मतलब के द्रव्यमान गुने त्वरण को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो बल का विमीय सूत्र क्या था एम एल इन्वर्स टू गुने विस्थापन, विस्थापन लंबाई है तो लंबाई क्या है एल, तो क्या हो जाएगा एम एल, ये एक एल ये एक दूसरा एल ये, तो इस टू एल स्क्वायर और
टी टी इनवर्स टू। कार्ज का विमय सूत्र क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू, ये हो गया कार्ज का। अब देखिए सबसे अहम चीज़ वो है जो आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन में भी पूछा जा चुका है। तो ये देखिए, ये है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमा, क्या है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा। ओके, पहले सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का आपको सूत्र याद होना चाहिए। देखिए एफ इक्वल टू जी एम वन इक्वल टू एम टू इंटू एम टू और आर स्क्वायर। देखिए जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है, ठीक ना। अब एफ क्या है, बल है, एफ क्या है बल है, फोर्स है, और एम क्या है द्रव्यमान है, ये भी एम द्रव्यमान है, और आर क्या है दूरी है। देखिए अब चलते हैं, देखिए सूत्र क्या था, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू आर स्क्वायर। अब निकालना जी का है, क्या करेंगे क्या करेंगे, जी को इधर लाएंगे, फिर उसके बाद एफ इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बट्टे एम वन और एम टू, सॉरी एम टू नीचे होगा, एम टू एम टू नीचे होगा। अब देखिए बल का विमय सूत्र क्या है, तो मैंने आपको बताया था बल का विमय सूत्र, बल का विमय सूत्र क्या है, एम एल टी पर इनवर्स टू, ये बल का विमय सूत्र है। तो आइए देखते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे एम एम एल टी इनवर्स, और उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था आर दूरी, दूरी का क्या होता है एल बट्टे एम वन एम टू। देखिए एम एम से एम कटेगा, अब बचा क्या, कुछ नहीं, तो अब क्या हुआ, देखिए एक एल ये और दूसरा एल ये, उससे पहले एम एम है, क्या ये एम है, तो हम एम को ऊपर ले जाएंगे, तो इनवर्स एम इनवर्स वन और एल एल स्क्वायर प्लस टी, ये क्या हो गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र, याद हो विमीय सूत्र हो गया, याद रखिएगा। तो इस तरह आप विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, और आपको मैं बोलना चाहूँगा कि आपका जो 11th क्लास में जो लास्ट में दिया हुआ है विमीय सूत्र के, मतलब कुछ विमीय सूत्र के बारे में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जा करके विमीय सूत्र याद कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और हाँ आपको मतलब के यहाँ पे सभी कुछ मतलब के साइंस SCINC साइंस और आर्ट्स की पढ़ाई फ्री होने वाली है, उसका पूरा कोर्स आपको फ्री कराया जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पे आके पढ़ सकते हैं। थैंक यू।